हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, जस्ट हम पहुंच गए हैं अगेन फिर से आज लाल किले के पास में, क्योंकि कुछ जो वीडियोस थी हमारी वो हम ठीक से आप सभी लोगों को दिखा नहीं पाए। तो काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि आपने वीडियो में हमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं दिखाई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज अगेन हम फिर जाएंगे क्या बोलते हैं लाल किले, और उसके बाद हम आप सभी लोगों को जितना हमारा वीडियो रह गया था वो सारी चीज़ें हम आपके साथ वीडियो के द्वारा आप लोगों को पहुँचाएँ। तो गाइस, जस्ट लाल किला में पहुँच गए, और लाल किले का आज है 30 तारीख, कल को 31 है, तो लास्ट डे है। तो आप लोग यहाँ विजिट कीजिए और खूबसूरत सी झांकियों का आनंद लीजिए। और मैंने तो बहुत सारी यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, शॉर्ट्स भी बनाए, वो आप सभी लोगों को धीरे धीरे करके मैं अपडेट करते रहूँगी। तो गाइस, जस्ट हम पहुँच चुके हैं लाल किला के पास में, और यहाँ पर पता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है आज 2 बजे के बाद, और कल को काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे। उसमें हमारे उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सारे जगह के यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। तो गाइस, ये है G20 का जो लगा हुआ है यहाँ पे झांकी, ये वो है। तो गाइस, यहाँ पर आइए, और पता है आप सभी लोगों को हर जगह का यहाँ पर खाने के लिए भी, जैसे हमारे उत्तराखंड का और पंजाबी और जम्मू कश्मीर, हर जगह के स्टॉल लगे हैं, उसमें से आप शॉपिंग तो कर सकते हैं। अगर आपका पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है, भूख लग रही है, तो आप यहाँ पर खाने का आनंद भी ले सकते हैं। तो गाइज, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ झांकी, ये हर जगह की झांकियाँ मैं आज आपको छोटी छोटी एडिटिंग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जो पहली वाली झांकी थी मैंने उसमें सब जगह की आप लोगों को पूरी झांकी दिखाई थी। तो कुछ लोगों को ये था कि थोड़ी सी आप पास से भी झांकियाँ दिखाइए, तो मैंने इसीलिए ये वाली झांकी सिर्फ आप लोगों के कहने की वजह से मैं यहाँ वीडियो बनाने गई थी लाल किले पे, और जो दूसरी वीडियो है हम वो नेक्स्ट डे अपडेट करेंगे, जो मैं अपना फेस के द्वारा आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, ये है, ये वाली झांकी जो है अरुणाचल प्रदेश की है, ये जो झांकी आपको दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर सी झांकियाँ बनाई गई हैं, वो तो आपको मेरे सेकेंड डे वाली वीडियो में दिखाई दी होंगी। तो गाइज, अब हम आगे साइड चलते हैं, झांकियों का आप सभी लोग भी आनंद उठाइए। ये देखिए, यहाँ पर जो साड़ियाँ और जो धागा से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सब भी दर्शाया गया है, यही हुआ है इसमें। तो गाइज, आप लोग जब यहाँ पर आएंगे लाल किले पे, तो आपको मेट्रो, अगर आप नोएडा साइड से आ रहे हैं जैसे मैं नोएडा से आई थी, तो मैं सबसे पहले उतरी राजीव चौक, वहाँ से फिर मैंने दूसरी मेट्रो चेंज करी, फिर हम वहाँ से गए चांदनी चौक वाली मेट्रो पे, मैजेंटा तो नहीं थी, चांदनी चौक वाली मेट्रो पे गई, वहाँ से फिर हम उतरे लाल किले पे। लाल किले पर उतरने के बाद फिर हमने बाहर से करा रिक्शा, रिक्शे से हम गए दरियागंज, दरिया क्योंकि लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है ना, उस साइड में हमें काफ़ी आगे चलना पड़ता है, वहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि हमें वहीं पर उतर के नीचे लाल किले की ये सब झांकियाँ दिखने को मिलेंगी, नहीं, तो हमें गेट नंबर 3 पर जाना है, वहाँ पर से जाके फिर हमें पहले रिक्शा लेना है, रिक्शे से गेट नंबर 3 पर जाना है, फिर जाके हमें वहाँ पर अंदर की एंट्री मिलेगी, और अंदर की एंट्री तो फ्री है, कोई उसमें पैसा वैसा नहीं है, पर लाइन काफ़ी मात्रा पे लगेगी, क्योंकि अभी जो है लास्ट डे है, तो सारे लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज, आप लोग भी टाइम से आइए यहाँ पे, और ख़ूबसूरत सी झांकियों का आनंद लीजिए, साथ साथ झांकियों के साथ यहाँ पर जो इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप सभी लोग उसका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर चल रहा है भारत पर्व, ये तो हम दूसरी साइड पर आए हैं, इसके दूसरे साइड में है भारत पर्व का बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, जो वहाँ पर सारी ही चीज़ें, अभी तो थोड़ी देर में असम का वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, जो मैंने भी देखा है, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप सभी लोग भी बोर हो जाते हैं, इसलिए हम आपको दूसरी वीडियो में उसको अपडेट करेंगे। तो गाइज, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, और हम आप सभी लोगों को भी थोड़ी बहुत झांकियाँ और दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी, सब लोग बोर ना हो जाए, तो हम आपको फिर उसके बाद ले चलेंगे कल वाली वीडियो में, जो हम आपको और भी खूबसूरत सी चीज़ें वहाँ की दिखाने वाले हैं। तो गाइज, ये झांकियाँ तो
इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊं। आप लोग भी कहेंगे चीता को देख के डर तो नहीं गए थे? मेरा बेटा तो डर ही गया था, पर उसका भी बड़ा मन हो रहा था यहाँ पर आने का, पर उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए हम अपने बेटे को लेके नहीं जा पाए। तो अगर संडे होता तो बीच में ले जा पाते, पर संडे था नहीं इसलिए हम उसको नहीं लेके गए लाल किले पे। तो गए, अब हम आप सभी लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस वाली वीडियो को हम इतनी ही रखेंगे, इसको ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली की ब्लॉग डालती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय। Mm-hmm.